हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम आपको लिखवाएंगे सदाचार पर निबंध। सदाचार पर निबंध हम लिखेंगे संस्कृत में, तो आइए देखते हैं कि सदाचार पर निबंध किस तरह से लिखा जाएगा। सज्जना नाम आचारः सदाचारः भवति। सज्जनों का आचार सदाचार होता है, मतलब जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा उनका आचरण होता है वही सदाचार होता है। सज्जना यानी कर्मारि कुर्वन्ति, सज्जन जो काम करते हैं, जो कर्म करते हैं, तानि एव अस्माभिः कर्तव्यानि, वैसे काम हमें भी करने चाहिए, वो काम हमें भी करने चाहिए। सदाचार मानवः कीर्तिं लभते, सदाचार से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, उसका यश होता है, प्रसिद्धि होती है। सदाचारी मानवः यशः सम्मानं च प्राप्नोति, सदाचार से मनुष्य यश और सम्मान प्राप्त करता है। सदाचार्य श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तमः अभवत्, सदाचार से श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सदाचार हीना जनः पशु मन्यते, सदाचार से हीन मनुष्य पशु के समान माना जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, सज्जनों का जो आचार होता है, उनका जो व्यवहार होता है वो सदाचार होता है। सज्जना नाम आचारः सदाचारः भवति। सज्जना यानी कर्माणि कुर्वन्ति तानि एव अस्माभिः कर्तव्यानि, सज्जन पुरुष जो काम करते हैं वही हमें करने चाहिए। सदाचार्य मानवा कीर्तिं लभते, और सदाचार से जो मनुष्य होता है वो कीर्ति को प्राप्त करता है, उसकी प्रसिद्धि होती है। सदाचारी मानवः यशः सम्मानं च प्राप्नोति, सदाचार से मनुष्य का सम्मान होता है, उसका जो यश है वो चारों तरफ फैलता है। तो सदाचारी मनुष्य यश और सम्मान को प्राप्त करता है। सदाचार्य श्री रामः मर्यादा पुरुषोत्तमः अभवत्, सदाचार से श्री राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सदाचार हीना जनः पशु इव मन्यते, सदाचार से हीन मनुष्य, मतलब जो सदाचारी नहीं है वो मनुष्य कैसा है, पशु के समान माना जाता है। सदाचारी मानवः सर्वत्र आदरम आप्नोति, सदाचारी मनुष्य सभी जगह आदर को प्राप्त करता है, मतलब उसका हमेशा सभी जगह आदर होता है। सदाचारात् पृथक् आचारः दुराचारो भवति, सदाचार से जो अलग आचरण होता है वो दुराचार होता है। अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति, हमारी भारतीय संस्कृति आचार प्रधान है, सदाचार प्रधान है। आचारः द्विविधः भवति, आचार जो है, सदाचार जो है, आचरण जो है दो प्रकार का होता है, दुराचारः सदाचार। आचार दुराचार और सदाचार, जो आचरण होता है वो दो प्रकार का होता है, दुराचार और सदाचार। सज्जनः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशीकृत्वा सर्वैः सह शिष्टतापूर्वकं व्यवहारं कुर्वन्ति, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी लोगों के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया कि जो सदाचारी मनुष्य होता है उसका सब जगह आदर होता है, मतलब सदाचारी मानवः सर्वत्र आदरम आप्नोति, सदाचारी मनुष्य सभी जगह आदर को प्राप्त करता है। सदाचारात् पृथक्, सदाचार से पृथक आचार जो होता है, आचरण जो होता है वो दुराचार होता है, मतलब एक सदाचार होता है एक दुराचार होता है। जो सदाचार होता है, जो सदाचारी मनुष्य होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, वो सदाचार वाला आचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, लेकिन जो दुराचारी होते हैं वो बुरा आचरण करते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो ठीक नहीं होता। तो अस्माकं भारतीय संस्कृति आचार प्रधाना अस्ति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो आचार प्रधान है। आचारः द्विविधः भवति, आचार जो है वो दो प्रकार का होता है, दुराचारः सदाचारः, दुराचार और सदाचार। जो सज्जन पुरुष होते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं। तो ते सत्यं वदन्ति, मातु पितु गुरुजनानां वृद्धानां ज्येष्ठानां च आदरं कुर्वन्ति, तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, सत्कर्माणि च प्रवृत्तता भवन्ति। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, सत्यं वदन्ति, सत्य बोलते हैं, मातु पितु गुरुजनानां, माता पिता गुरुजनों, वृद्धानां वृद्धों और ज्येष्ठानां और बड़ों का आदर करते हैं। तेषाम् आज्ञां पालयन्ति, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, सत्कर्माणि च प्रवृत्तता भवन्ति, और अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे होते हैं। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नते सदाचारस्य महति आवश्यकता वर्तते, लोगों की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार की महति आवश्यकता वर्तते, बहुत अधिक आवश्यकता है।
सदाचारस्य अभ्यासो बालकालादेव भवति। सदाचार का जो अभ्यास है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है। सदाचार्य नरः धार्मिकः शिष्टो विनीतो बुद्धिमान च भवति। सदाचार से मनुष्य धार्मिक शिष्ट विनीत मतलब विनम्र और बुद्धिमान होता है। संसारे सदाचारस्य महत्वं दृश्यते। संसार में सदाचार का ही महत्व दिखाई देता है। तो क्या बताया गया यहाँ पर कि ते सत्यम वदन्ति। कौन? जो सदाचारी लोग होते हैं वो सत्य बोलते हैं, माता पिता गुरुजनों वृद्धों और बड़ों का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। जनस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च उन्नते सदाचारस्य महति आवश्यकता वर्तते। तो लोगों के समाज के और राष्ट्र की उन्नति के लिए, लोगों की समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए सदाचार की बहुत अधिक आवश्यकता है। सदाचार का जो अभ्यास है वो बचपन से ही शुरू हो जाता है, बचपन से ही होता है। सदाचार से मनुष्य धार्मिक शिष्ट विनम्र और बुद्धिमान होता है। संसारे सदाचारस्य महत्वं दृश्यते। संसार में सदाचार का महत्व ही दिखाई देता है, सदाचार का ही महत्व दिखाई देता है। यस्मिन् देशे जनाः सदाचारिणो भवन्ति तस्यैव सर्वतः उन्नति भवति। तो जिस देश में सदाचारी होते हैं उसकी हमेशा क्या होता है, सभी जगह उन्नति होती है, सर्वत्र उन्नति होती है, चारों तरफ उन्नति होती है। अतः महर्षि भी आचारः परमो धर्मः इति उच्यते। इसीलिए जो महर्षि होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो भी आचार परम धर्म है ऐसा बोलते हैं। सदाचारी जनः परदारेषु मातृवत् परधनेषु लोष्टवत् सर्वभूतेषु च आत्मवत् पश्यति। सदाचारी जो लोग होते हैं परदारेषु दूसरों की स्त्रियों को मातृवत माता के समान, परधनेषु लोष्टवत दूसरे के धन को छड़ी के समान और सर्वभूतेषु च आत्मवत पश्यति और सारे प्राणियों को अपने समान ही देखते हैं। जो सदाचारी लोग होते हैं वो पराई स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को अपनी छड़ी के समान और सभी लोगों को सभी प्राणियों को अपने समान ही देखता है। तो सदाचारी जनस्य शीलम एव परम भूषणम अस्ति। सदाचारी का शील ही परम आभूषण होता है। सदाचार्य एव महर्षि दधीचि गांधी महोदयाश्च यशः शरीरे अद्यापि जीवितः। तो सदाचार से ही महर्षि दधीचि गांधी महोदय यशः शरीरे यशस्वी शरीर से आज भी जीवित हैं। हालांकि वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो सदाचारी थे, उनका आचरण अच्छा था तो उनको हम आज भी याद करते हैं। उनका जो यशस्वी शरीर है मतलब उन्होंने जो प्रसिद्धि पाई है उससे वो आज भी जीवित हैं। समाजे सदाचारस्य व्यवहारम् अनिवार्यम् अस्ति। समाज में सदाचार का जो व्यवहार है वो अनिवार्य है। क्या बताया गया यहाँ पर कि जिस देश में लोग सदाचारी होते हैं उस देश की चारों तरफ उन्नति होती है। तो महर्षि जो है, ऋषि मुनि है, वो भी कहते हैं कि आचार जो है, सदाचार जो है वो परम धर्म है। तो सदाचारी जो लोग होते हैं वो दूसरे की स्त्री को मतलब पराई स्त्री को माता के समान, दूसरे के धन को अपनी छड़ी के समान और सभी प्राणियों को अपने समान ही देखता है। सदाचार का जो शील होता है, आचरण होता है, वही परम आभूषण होता है। सदाचार जो है सदाचार्य और महर्षि दधीचि, सदाचार से ही महर्षि दधीचि गांधी महोदयश्च और गांधी महोदय जो थे वो आज भी याद किए जाते हैं, उनको हम आज भी याद करते हैं। वो आज भी इतने प्रसिद्ध हैं अपने सदाचार की वजह से कि उन्होंने आज भी याद करते हैं, वो आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। सदाचारस्य व्यवहारम् अनिवार्यम्। तो समाज में जो सदाचार का व्यवहार है वो अनिवार्य है। अतः मानवतायाः विकासाय, इसलिए मानवता के विकास के लिए सर्वहि सदाचारः, सभी लोगों को सदाचार का प्रयत्नपूर्वक पालनीय प्रयत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, रक्षणीया च और रक्षा करनी चाहिए। आचारः परमो धर्मः, आचार परम धर्म है। आचारः परमं तपः, आचार परम तप है। सदाचार क्या है? परम तप है। तो कहा भी गया है अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। क्या कहा गया है? अभिवादन शीलस्य, जो अभिवादनशील होता है मतलब सुशील और विनम्र होता है, नित्यं वृद्धोपि सेविनः और अपने जो बुजुर्ग होते हैं उनकी रोज सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके क्या होता है, चार चीज़ें जो हैं वो बढ़ती हैं, आयु विद्या यश और बल। मतलब उसकी आयु ज़्यादा होती है,
उम्र ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी विद्या प्राप्त करता है, उसका चारों तरफ यश होता है, उसके बल में वृद्धि होती है। तो जो व्यक्ति सुशील और विनम्र होते हैं, बड़ों का अभिवादन करते हैं, सम्मान करने वाले होते हैं तथा अपने बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, इन चारों में वृद्धि होती है। तो ये था आपका निबंध। आपको लंबा लग रहा होगा तो आप इसमें से छांट के भी लिख सकते हैं। तो जो भी हम निबंध करवाएंगे उसमें से आपका एक ना एक निबंध आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।